पुष्पा टू तोड़ेगी बाहुबली 2 का रिकॉर्ड। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राफ स्टूडियोज में सोनिका जार। दोस्तों, जब 17 दिसंबर 2021 को पुष्पा द राइज पार्ट 1 रिलीज हुई थी तो इसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका ला दिया और ओपनिंग हुई थी 3 करोड़ की हिंदी में, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता ये फिल्म 100 करोड़ के आंकड़े को छू गई और पुष्पा 2 का इंतजार और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। पुष्पा में अल्लू अर्जुन को इतना ज़्यादा पसंद किया गया है कि उनकी फैन फॉलोइंग और भी ज़्यादा बढ़ गई है और पहली बार जब हिंदी में थिएटर में उतरे अल्लू तो सबकी मन की इच्छाएं पूरी हो गई और साउथ के मेकर्स को भी पता चल गया कि अल्लू अर्जुन कहां तक जा सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब आपको बता दें कि एक रिपोर्ट आ रही है जिसमें कि मनीष शाह, जो कि गोल्ड माइन टेलीफिल्म्स के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस बारे में बात की और कहा कि पुष्पा 2 आसानी से तोड़ सकती है बाहुबली 2 का रिकॉर्ड। जी हाँ दोस्तों, बाहुबली 2 वो फिल्म है जो इंडियन सिनेमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी, 1000 करोड़ की कमाई की वर्ल्ड वाइड। तो इसी बात पर मनीष शाह ने कहा कि हम पुष्पा 2 को अप्रैल तक शुरू कर देंगे, लेकिन 2022 में इसे रिलीज़ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हाँ, 2023 में इसे रिलीज़ किया जा सकता है। वहीं शूट के बारे में उन्होंने कहा कि 250 दिन पूरे लग जाएंगे, 210 दिन पुष्पा पार्ट 1 में लग गए थे, तो इतना हम लेकर चल रहे हैं, लॉकडाउन सिचुएशंस भी आएंगी जिस वजह से डिले होगा। वहीं जब पूछा गया मनीष शाह से कि आपको लगता है कि बाहुबली 2 का रिकॉर्ड टूटेगा, तो मनीष शाह ने क्लियर किया कि अगर हमने ज़्यादा मेहनत कर दी तो ये हो सकता है, क्योंकि बाहुबली के फर्स्ट पार्ट ने इंडिया में कमाए थे 120 करोड़ और पुष्पा ने कमाए हैं लगभग 100 करोड़, यानी कि 30-50% का ही फर्क है, और अगर हमने 50% मेहनत और कर दी तो आसानी से पुष्पा 2 रिकॉर्ड तोड़ देगी बाहुबली 2 का। पुष्पा के पहले पार्ट में अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना, फहाद फासिल नजर आए और इसके सॉन्ग अब तक वायरल हो रहे हैं, फिर चाहे वो ऊं अटवा ऊं हो या फिर बलम सामे और तेरी झलक अशरफी, ये बहुत सारी भाषाओं में रिलीज हुआ है और सभी भाषाओं में इन गानों को पसंद किया जा रहा है, फिर चाहे वो हिंदी ऑडियंस हो या साउथ ऑडियंस, सारे गानों को पसंद कर रही है। और कहा जाता है कि कला में कोई भी भाषाओं की सीमा नहीं होती, तो हर जोनर के गाने पसंद आ रहे, हर लैंग्वेज के गाने लोगों को खूब भा रहे हैं। वहीं दोस्तों, मनीष शाह का प्रेडिक्शन कितना सही होता है ये तो पुष्पा 2 के रिलीज़ होने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अब तक इतनी बड़ी बड़ी फिल्में रिलीज़ हुई लेकिन बाहुबली 2 का रिकॉर्ड कोई ना तोड़ पाई। आपको क्या लगता है, पुष्पा 2 तोड़ेगी बाहुबली 2 का रिकॉर्ड? नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।